आज आपको ट्रांसलेशन में करना है मेक इंग्लिश। यहाँ पर आपको मैंने हिंदी में सेंटेंसेस दिए हैं, आपको हिंदी विद इंग्लिश साथ में करनी है, मतलब नोटबुक पे नोट करनी है। तो पहला है, तुम कमरे में खा रहे हो। तुम कमरे में खा रहे हो, तो पहले हम किसकी मीनिंग लगाएंगे, तुम हो की मीनिंग। तो तुम हो की होती है यू आर, क्या होती है यू आर। फिर आएगी हमारी खा रहे की, तो खा रहे की क्या होगी ईटिंग, क्या हो जाएगी ईटिंग। और फिर आएगी कमरे में, तो कमरे में की क्या होगी इन द रूम, इन द रूम। तुम कमरे में खा रहे हो, तो पहले तो हम क्या बनाएंगे सेंटेंस, यू आर ईटिंग इन द रूम। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ये भारी बस्ते हैं, ये भारी बस्ते हैं। तो पहले हम किसकी मीनिंग लगाएंगे, ये है की मीनिंग। तो ये है की मीनिंग क्या होती है, दीज आर, क्या होगी दीज आर। फिर आएगी भारी बस्ते, तो भारी बस्ते की साथ में लगाएंगे हैवी और बस्ते की बैग्स, बस्ते हैं तो बैग्स हो जाएगी। तो ये भारी बस्ते हैं, तो दीज आर हैवी बैग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, आज गुरुवार है, आज गुरुवार है। तो वाले हम सेंटेंस किससे स्टार्ट करते हैं, इट इज से, किससे इट इज से स्टार्ट करेंगे। और फिर गुरुवार की आएगी और आज की लास्ट में आएगी, गुरुवार की मीनिंग वेंसडे और आज की मीनिंग टुडे। तो आज गुरुवार है, इट इज वेंसडे टुडे। ओके, आगे है, पास नई किताबें हैं, मेरे पास नई किताबें हैं। तो मेरे पास हैं की पहले लगाएंगे, तो आई हैव हो जाएगी आई हैव। फिर नई किताबें, तो नई की मीनिंग न्यू और किताबें की बुक्स, नई किताबें। ओके, मेरे पास नई किताबें हैं, क्या बनेगा आई हैव न्यू बुक्स। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं, आगे है मेक हिंदी। तो यहाँ पर इंग्लिश दी है आपको, हिंदी विद इंग्लिश नोटबुक में नोट करनी होगी। पहला है इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे। तो वाला सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, आज रविवार है, टुडे की पहले लाएंगे संडे की बाद में। ओके, तो टुडे की क्या होती है आज और संडे की रविवार, और फिर आएगी लास्ट में है। ओके, इज लगाए तो इसलिए हमने है लगाई है। आगे है सिट ऑन द टेबल, सिट ऑन द टेबल। तो पहले हम किसकी लगाएंगे, ऑन द टेबल की, तो मेज पर, तो हो जाएगी मेज पर। लास्ट में आएगी सिट की, सिट की होती है बैठो, तो मेज पर बैठो। ओके, नेक्स्ट है ही हैज ए स्वीट एप्पल, ही हैज ए स्वीट एप्पल। तो पहले हम किसकी मीनिंग लगाएंगे, ही हैज की, ही हैज की होती है उसके पास, और लास्ट में आएगी है, उसके पास और लास्ट में आएगी है। फिर आएगी ए की, तो एक होती है, और फिर आएगी स्वीट एप्पल की साथ में, तो मीठा सेब। ठीक है, तो पूरा क्या बनेगा, उसके पास एक मीठा सेब है। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैड स्मॉल पेंसिल्स, वी हैड स्मॉल पेंसिल्स। तो पहले हम किसकी मीनिंग लगाएंगे, वी हैड, तो वी हैड की मीनिंग होती है हमारे पास थी, हमारे पास थी, तो हमारे पास पहले आएगी थी की लास्ट में। फिर स्मॉल पेंसिल्स के साथ में लगाएंगे, स्मॉल की होती है छोटी और पेंसिल्स की पेंसिलें, स्मॉल छोटी और पेंसिल्स की पेंसिलें। तो वी हैड स्मॉल पेंसिल्स, क्या बनेगी हमारे पास छोटी पेंसिलें थी। ठीक है, तो गलती नहीं करेंगे, ध्यान से करेंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश। तो यहाँ पर हिंदी दी है आपको, इसकी इंग्लिश बनानी है। ओके, इंग्लिश लिखनी है। तो पहला है महत्वपूर्ण, क्या है महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण की मीनिंग होती है इम्पोर्टेंट, क्या होती है इम्पोर्टेंट। तो आप लिख दोगे इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग आई एम पी ओ आर टी ए एन, टी ए एन हो गया टी, फिर से बोल रही हूँ एक बार, आई एम पी ओ आर टी ए एन टी, इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है बुद्धिमान, क्या है बुद्धिमान, बुद्धिमान की स्पेलिंग है स्मार्ट, एस एम ए आर टी स्मार्ट। आगे है रक्षा करना, क्या है रक्षा करना, रक्षा करना की प्रोटेक्ट, पी आर ओ टी ई सी टी प्रोटेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है खड़े होना, क्या है खड़े होना। तो खड़े होना की मीनिंग है
स्टैंड, क्या है स्टैंड, एस टी ए एन डी स्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट है आदर करना, आदर करना की मीनिंग होती है रेस्पेक्ट, आर ई एस पी ई सी टी रेस्पेक्ट। नेक्स्ट है सावधान, सावधान की मीनिंग होती है केयरफुल, क्या होती है केयरफुल, सी ए आर ई एफ यू एल फुल केयरफुल, ओके। तो एक बार फिर से रिपीट करिए, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, बुद्धिमान स्मार्ट, रक्षा करना प्रोटेक्ट, खड़े होना स्टैंड, आदर करना रेस्पेक्ट, सावधान केयरफुल, ओके। तो राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन लिखनी है आपको, और स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा, गलत मत लिखिएगा, ओके ठीक है, बाय बाय।